नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम प्रो टिप्स एंड ट्रिक्स में। आज हम धीरे धीरे डे 16 यानी कि 16 पे पहुंच गए हैं। आज भी हम देखेंगे कि ये जो टारगेट 30 रेंज है इसमें हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, हम आप क्या क्या पढ़ेंगे तो रीजनिंग में भी मैं मैथ में भी जीके और साइंस सब कुछ चीजें साथ में लेके चल रहा है। और मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ रीजनिंग पे ज्यादा फोकस करो क्योंकि जो भी पेपर बनेगा उसका 1/3 यानी कि 30 क्वेश्चन 100 में लगभग आपके सिर्फ रीजनिंग का रहने वाला है। और एक बार रीजनिंग में अगर आपने 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया किसी भी पेपर में तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाने की जरूरत होगी, आपको कॉन्फिडेंस खुद ब खुद बढ़ जाएगा। ठीक, तो ये चीजें ध्यान रखो। तो रीजनिंग में आज आपको स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, आपको कल मैंने बोला था स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, आज आपको स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के टॉपिक है। इसके कम से कम आपको 25 क्वेश्चन तो जरूर लगाना है। कितने? 25 क्वेश्चन जरूर लगाना है। इसके बाद फिर भी रीजनिंग में और भी चीजें पढ़नी है आपको, इसमें 30 प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन लगाने हैं। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन टॉपिक लिख लो और 30 प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन, वो बुक आपके पास होनी चाहिए। कौन सी बुक है? आप टारगेट कंप्लीट करते चले आ रहे हो, वहां से आपको पता होगा। इसके बाद एक टॉपिक होता है मैथमेटिक्स में ट्रेन, ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन। भाई एक ट्रेन इधर से आ रही है, विपरीत दिशा से आ रही है, क्या होता है? मतलब विपरीत दिशा में जा रही है तो क्या होता है? ठीक, आमने सामने आ रही है, ट्रेन पटरी को पार नहीं है, ट्रेन खंभे को पार, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो इसके पूरे सिलेबस जो ट्रेन है पूरा टॉपिक है, इसका पूरा टॉपिक आपको रिविजन करना है। इसके अलावा मैथ का जो पीडीएफ है इसमें क्वेश्चन नंबर 376 से 400 आपको लगाना है। मैथ का इंपॉर्टेंट पीडीएफ जिन लोगों ने अभी तक नहीं लिया, गेस्ट पेपर है। ठीक है, एक प्रकार से आपका क्या है, गेस्ट पेपर है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके ले लो। ठीक, और इस पेपर से आपको देखो 400 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हो जब शुरू से हमें फॉलो कर रहा हूँ। ठीक, तो 376 से 400 लगाना है। अब अगर जो हम साइंस में आ जाते हैं तो साइंस में आपके पास हमारा पीडीएफ है साइंस का, वो नहीं है तो लूसेंट की बुक से आपको गैसों का आचरण एक टॉपिक है ये पढ़ना है, केमिस्ट्री में और तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। यहाँ पे दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है, गैसों का आचरण भी तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, तो क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक, इसके बाद एक आपका जनगणना जीके में, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सेंसस 2011 आपको पढ़नी है, और खान सर की बुक से बायोलॉजी का चैप्टर 2, और जो आपका करंट अफेयर्स है आप जो भी बुक लिए हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पीडीएफ लिए हो बुक लिए हो, तो उस पीडीएफ बुक को भी करंट अफेयर्स के आपको 20 मिनट निकाल के आपको देने हैं। ठीक, तो ये आज 16वें दिन का ये है कि आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो मजा आ रहा ना, अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके बताते रहो। ठीक है, कंप्लीट करने के बाद वीडियो पे आके कमेंट कर, सब कंप्लीट हो गया 30 डेज साथ में, चलो 30 डेज में पूरे रेलवे के सिलेबस को हम आपको कराना है। अब ये 20 डेज जैसे कंप्लीट होगा इसमें बहुत सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी आपकी, उसके बाद रिवीजन ही रिवीजन धक्का मार के चलता रहेगा। ठीक है, 30 डेज तक। चलो मिलते हैं शुरू में, जय जय।